कि जब एसएसपी और सिटी एसपी ही पिटाता हो, पीठ दिखा के भागता हो, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? ये इन्हें तो मदरसा से लेकर मस्जिद तक यही शिक्षा मिलती है कि कैसे इस तरह के कार्रवाई करनी है। वो इसी राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ और पुलिस वालों को निर्देश होगा, आदेश होगा कि आप सिर्फ दिखावे के लिए लाठी चलाएंगे, उन्हें जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची ही नहीं, पूरे देश अभी गलत नहीं कहा जाएगा कि आग में झुलस रहा है, हिंसा की आग में झुलस रहा है। और खासकर हम झारखंड रांची की बात बोले और खासकर मेन रोड इलाके में कल जो हुआ उसकी भयावह तस्वीर हमने आपको जीएन भारत में साफ दिखाई है। बीजेपी प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता थी जिनको निलंबित कर दिया गया है बीजेपी से, उनके बयान को लेकर इतना ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इतना ज़्यादा आक्रोशित हो उठे कि जुम्मा के नमाज के बाद उन्होंने जो किया वो बेहद शर्मसार रहा। पत्थरबाजी हुई, रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भी घायल हुए, इसके बाद फायरिंग हवा हुई। ये सारी घटना को लेकर हमारे साथ मौजूद है विधायक सीपी सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे। रांची में जो भी कल घटनाएं हुई है, जिसकी भयावह तस्वीर हमने आपको दिखाई है, सारे मुद्दों पर पहले हम सीपी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। हम खुद वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, पुलिस जो है वो पूछ रहे थे, ऊपर से ऑर्डर मांग रहे थे कि मुझे ऑर्डर दीजिए, लेकिन ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहा था, ये बात एकदम सच है। इस पर आप क्या कहेंगे? कल से मैं चैनलों पर बयान दे रहा हूँ और सभी जगह यही कह रहा हूँ कि ये सारे बवाल जो एक समुदाय विशेष के लोगों ने किया है, ये सरकार के संरक्षण में किया है। जब सरकार का ही संरक्षण हो तो पुलिस कर्मी या पुलिस प्रशासन क्या कर सकते हैं? क्या यह डूब मरने वाली बात नहीं है कि जब एसएसपी और सिटी एसपी ही पिटाता हो, पीठ दिखा के भागता हो, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? आम नागरिकों की वो कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? देखिए, स्थिति ऐसी हो गई है कि ये चल रहा था कि जब भारत बंद इन लोगों ने आह्वान किया है तो शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का दिन अहम होता है, उस दिन जुमे की नमाज होती है और जुमे की नमाज के बाद ये सारे के सारे घटनाएं होती है। वैसी स्थिति में पुलिस कहाँ थी? पुलिस थी भी तो कम संख्या में थी। वैसी स्थिति में क्या इनका खुफिया शाखा बिल्कुल फेल्योर हो गया, खुफिया विभाग फेल्योर हो गया? और फेल्योर नहीं हुआ तो फिर पुलिसकर्मी भारी संख्या में तादाद में क्यों नहीं थे? क्योंकि देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बड़ी खुलकर बोलता हूँ, और ये है कि ये मीडिया कर्मी या तथा कथित सेकुलर लोग भले ही कह दें कि कुछ अपराधी तत्व, कुछ अवांछित तत्व, कुछ गुंडा तत्व, मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं भैया, सारे के सारे। आखिर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं सारे के सारे लोग हैं, तो आप उसमें कुछ शब्द का प्रयोग क्यों करते हो? अरे गंगा जमुनी तहजीब की शिक्षा हिंदुओं को क्यों देते हो? हिंदू तो इतना सहिष्णु है कि आप एक गाल पर थप्पड़ मारते हो तो दूसरा गाल भी आपके सामने रख देता है, लेकिन जब आप उसके जान पर आ जाएंगे तभी हिंदू कुछ करेगा, अन्यथा सोचता है कि चलो ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो है, ये इन्हें तो मदरसा से लेकर मस्जिद तक यही शिक्षा मिलती है कि कैसे इस तरह के कार्रवाई करनी है। वो इसी स्थिति में जिला का पुलिस, राज्य की सरकार सो ही क्यों थी? ये प्रश्न तो बनता है ना कि जब भारी संख्या में ये लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, तो वैसे जगह चंद पुलिसकर्मी क्यों आपने दिए? वहाँ तो भारी संख्या में पुलिस बल देना चाहिए था, वहाँ पर सीआरपीएफ बुलाना चाहिए था, वहाँ पर रैफ राइट एक्शन फोर्स बुलाना चाहिए था। ये सारे चीज़ों आपने नहीं रखा, जिसका नतीजा हुआ कि भाई ये घटनाएँ घटी मेन रोड में, मंदिरों पर पत्थरबाजी हुई, काली मंदिर पर पत्थरबाजी हुई, हिंदपीढ़ी के मंदिर पर पत्थरबाजी हुई, तोड़ा गया, कई लोगों के
जो व्हीकल्स हैं वो तोड़े गए, हमारे नितिन नवीन जो मंत्री हैं उनके ऊपर हमला किया गया, उनके गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। आखिर इतना होता रहा, पुलिस क्या कर रहे थे? क्या पुलिस नपुंसक की भूमिका में थी, शिखंडी की भूमिका में थी? यह प्रश्न तो उठता है। इसी से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ और पुलिस वालों को निर्देश होगा, आदेश होगा कि आप सिर्फ दिखावे के लिए लाठी चलाएंगे, उन्हें जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। इसमें आप सीएम की भूमिका कहाँ तक दिखते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परमिशन और कब्जा तो उन्हीं के हाथ में होता, अगर वो चाहते तो सिचुएशन संभाला जा सकता था। मैं सीएम साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता चला है। अरे राज इतना घटना घट जाए बोलते मुझे अभी पता चला है, ये सब मासूम बनने का काम कर रहे हैं। ये सारे की सारी सरकारें ही तुष्टिकरण की नीति में शामिल रहती है, तुष्टिकरण की नीति है। यही कारण है कि भाई मैं जोड़ के देखता हूँ, कोरोना काल में हिंदपीढ़ी में जब बवाल हुआ तो डीएसपी पिटा जाता है, डीएसपी को भागना पड़ता है। ये तो हमारे बहादुर पुलिसकर्मी हैं, किन पर हम लोग नाच करें मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं पुलिस की भूमिका को बिल्कुल संदेहास्पद मानता हूँ और मैं यही कहूँगा कि आपने वर्दी पहनी है और जनता की सुरक्षा करने का शपथ लिया है तो शपथ को भूलिए मत, चाहे सरकार कोई हो, सरकार कुछ भी निर्देश दे। जान माल की सुरक्षा करना, अमन चैन कायम करना रखना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि राज्य सरकार के संरक्षण में ये सब हुआ है, कहना गलत नहीं होगा? इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि राज्य सरकार के संरक्षण में ये बवाल हुए हैं। आपका कल का ये बयान था कि नमाज में यही सब पढ़ाया जाता है, ये आप ही का बयान था? मैं आज भी बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आरती के बाद जब हम नारा लगाते हैं, अब नारा शब्द का प्रयोग न करें, हम लोग का एक है तो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम इसकी बात करें, हमें ये सिखाया जाता है ना बचपन से, जब जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन वहाँ क्या सिखाया जाता है हमको बता देना, वहाँ सिखाया जाता है क्या कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो? कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब शिक्षा ही उस तरह की दी जाएगी तो इसका नतीजा तो होगी। अब बेवजह, अब ठीक है दोषी हो सकता है या निर्दोष था, मैं नहीं कहता, दो लोगों को गोली से मृत्यु हो गई, अब प्रश्न उठता है भाई हो सकता है वो निर्दोष रहे हों, हो सकता है वो रागीर हो, मैं नहीं जानता वो थे नहीं थे क्या थे, या हो सकता प्रदर्शन में शामिल हो। अब ये तो कहेंगे कि भाई चलो उनके परिवार को यही दिलासा दिलाएंगे कि ये तो इन्हें तो हूर मिलेगा, जन्नत में हूर मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन जिनके गाड़ी के शीशे टूट गए, जिनके गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गए, जिनके गाड़ी जला दिए गए, उनको क्या मिलेगा? मैं यही बात कर रहा हूँ कि जान की कीमत हर व्यक्ति की है, हर व्यक्ति इंसान बराबर है, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय का मानने वाला क्यों ना हो, सबके जान की कीमत बराबर होती है। ये दो जानें बेवजह चली गई, कई लोग घायल हैं, तो मैं यही कहूँगा कि पुलिस यदि शुरुआत में ही उस पर अंकुश लगा दी रहती घटना ही नहीं घटती। आसिफी जी, आगे ऐसी हरकतें ना हो क्योंकि मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको लगता है इस तरीके से इंटरनेट पूरा बंद कर देना, ठप कर देना सॉल्यूशन है और आगे के ना हो इस पर क्या सॉल्यूशन? ये नहीं है भैया, देखिए इंटरनेट की सेवा बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन प्रशासन अपने सुविधा के लिए, ताकि इसके माध्यम से लोग कहीं दूसरे क्षेत्र में रिएक्शन नहीं हो, दूसरे वर्ग में रिएक्शन नहीं हो, ये करते हैं, ये उनका काम है, प्रशासन का काम है, मैं देखिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। सिर्फ जी लेकिन एक बात मैं पूछूंगी, अभी प्रशासन जितना डीसी छवि रंजन जितना एकदम फॉर्म पर आए हैं, इंटरनेट बंद करा दिया, कर्फ्यू बढ़ा दिया, इतना हो रहा है, यही चीज़ अगर थोड़ा पहले सोचा समझा होता तो शायद सिचुएशन, मैं वही तो बोल रहा हूँ, डीसी की बात क्या करते हैं जी, डीसी के बारे में हमसे ज़्यादा कौन जानता है, डीसी कैसा है?
मैं ठीक आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट सेवा बंद की है सारी चीज़ें। मैं भी रात में किसी चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, इंटरनेट सेवा बंद हो गई, इंटरनेट सेवा बंद करने का मैसेज भी आ गया, ये सारी चीज़ें। फिर भी सर ये प्रशासन का काम है, मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा और न टिप्पणी करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुस्ती शुरुआत में ही दिखाते, यदि उन्हें इनपुट नहीं मिला, ये पत्थर जो घर घर में जमा हो रहे, पत्थर कहाँ से आए भाई? ये नमाज पढ़ने गए थे तो क्या मस्जिदों में ये पत्थर दिए गए थे या पॉकेट में पत्थर लेकर नमाज पढ़ रहे थे? तो ये सारी चीज़ें पंपलेट मैंने अखबारों में देखा है कि भाई ये सब सारे बांटे गए नूपुर शर्मा का, और उसके बाद भी पुलिस सोती रही, इनका खुफिया विभाग सोता रहा था। क्या खाली बालू और ईटा के ट्रक का पकड़ने में लगते हैं, बिना हेलमेट के लोगों को पकड़ने में इनका ध्यान रहता है, होगा क्या? मेरा ये कहना है इसके लिए 100% यदि माना जाए तो पुलिस दोषी है, और मुझे लगता है कि पुलिस के हाथ बांध दिए गए थे। यही कारण है कि एसपी, एसएसपी, सिटी एसपी भी घायल हुए, मैंने पढ़ा है। अब हुए हैं तो दुर्भाग्य है कि खुद अपने आप को नहीं बचा सकते तो आम जनता को क्या बचाएंगे? क्या इन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है ऐसे अधिकारियों को? आईपीएस एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है देश का प्रशासनिक, लेकिन चलिए ठीक है। हेमंत सोरेन जी अगला जो इलेक्शन होगा, अगला सीएम के रूप में हेमंत सोरेन जी को देखेंगे? इस घटना के बाद जनता में बहुत आक्रोश है क्योंकि उनके साथ। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, अभी क्या हो रहा मैं इसकी बात करूँ, कल क्या होगा, होने वाला उसके बाद 24 के बाद 29 में क्या होगा, मैं क्यों उसकी चिंता करूँ? प्रेजेंट की बात कीजिए ना, प्रेजेंट तो खराब है, प्रेजेंट खराब है, बस इतना ही बात मैं कहूँगा ना। आम जनता को भाई अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, स्वयं विवेक से काम लेने की भी ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा भाई, हम लोग तो प्रशासन से ही आग्रह करेंगे ना, हम तो जनता से यही कहेंगे कि भाई जो जहाँ है इस पर ध्यान नहीं दे, जो घटना घटी निंदनीय है, लेकिन इसका कोई रिएक्शन में आने की ज़रूरत किसी को नहीं है। ये करने वाले लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं करेंगे, ये करेंगे। अरे भैया पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी होती है और यहाँ पर उपद्रव यहाँ करते हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। भैया सीरिया से लेकर इंडिया रांची तक मानसिकता सबकी एक। तो आपने देखा विधायक सीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में कुछ होता है, सीरिया में होता है तो हंगामा यहाँ पर होता है, यानी सब पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो मानसिकता है वो सब एक ही समुदाय का एक ही जैसा है। जी हाँ, कल जो रांची में हुई वो बेहद दुखद है। आईपीएस ऑफिसर, जी हाँ, एसएसपी, सिटी एसपी, बहुत बड़ा गरिमा का पद होता है, इनके ऊपर सुरक्षा का पूरा भार होता है जनता का, बाकायदा संविधान का शपथ लेकर आते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो फिर जनता किससे उम्मीद लगाए, किस पर भरोसा करे? इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा गुस्सा जो है सीएम के प्रति भी है, क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया जल्दी, जैसा हमें खबर आ रहा है कि हाथ जो है थोड़ा बांध दिए गए थे पुलिस के, अगर ऐन वक्त पे अगर उनके थोड़ा परमिशन दिया जाता तो सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता। लेकिन जो भी अपडेट है वो हम आपको और दिखाएंगे, अभी मेन रोड का नजारा आपको दिखाएंगे कि आज क्या माहौल है। आप जीएन भारत से बने रहे तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।